उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनमानस के लिए तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के द्वारा पात्र लाभार्थी परिवारों को लाभ भी दिलाया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के द्वारा पात्र लाभार्थी पुरुष व महिलाओं को पेंशन के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपना अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकें। मुरादाबाद में लगभग 40,000 से अधिक ऐसे पात्र लाभार्थी हैं जिनको सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे जिला समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक अहमद से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जनपद में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना का लाभ लगातार दिलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था से अपने आवेदन को करना होता है और जब आवेदन समाज कल्याण विभाग में आता है तब उसकी पात्रता की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत उस लाभार्थी को सरकार की योजना का लाभ दिलाया जाता है। समाज कल्याण विभाग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें 1,000 रुपये महीने के दर से तीन तीन हज़ार रुपये की धनराशि दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई लक्ष्य नहीं है और जो भी इस योजना हेतु पात्र है सभी को दिए जाने का निर्देश शासन स्तर से। इसी क्रम में हमारे जिले में हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने अभियान चलाया। अभियान चला करके इस वित्तीय वर्ष में 14,000 नए पेंशनर्स हम लोगों ने चयन किए और उनको स्वीकृत करके जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से स्वीकृत करा करके इसको हम लोगों ने लखनऊ भेज दिया और लखनऊ से इनके खाते में अब पैसे आने शुरू हो गए हैं। इसमें से 13,000 लोगों के खाते में प्रथम त्रैमासिक की किस्त आनी शुरू हो गई है जनवरी फरवरी मार्च की और शीघ्र ही सभी के खाते में पैसे आ जाएंगे। तो इसमें मुझे यही कहना है कि इस योजना में लक्ष्य का कोई हमारा टारगेट नहीं होता है, सभी पात्रों को दिया जाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो जनपद के जितने भी इस तरह के पात्र लोग हैं वो ऑनलाइन ब्लॉकों में जनसेवा केंद्रों पर जा कर के फॉर्म भर दें या हमारे ऑफिस में भी समाज कल्याण ऑफिस में भी अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं, हम भी उसको ऑनलाइन करा देंगे तो और वो पात्र होंगे, उनकी जांच होगी और उनको पेंशन स्वीकृत हो जाएगी।